about the importance of fellowship. ये हफ्ते हम लोग संगति के महत्व को के बारे में बात कर रहे थे. और अगर हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो संगति बहुत ही जरूरी है. God has not called us to be lonely people. प्रभु ने हमें अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया है. To read the Bible and pray. कि बस हम लोग बाइबल पढ़े और प्रार्थना करें. And obey God. और बस प्रभु की आज्ञा का पालन करें. He has called us into the church, into the fellowship of his the believers. लेकिन उसने हमें कलीसिया में बुलाया है और जो विश्वासी है उनकी संगति में बुलाया है. And he speaks to us many many things in the church. और कई बार कलीसिया के द्वारा हमसे कई सारी बातें करता है. And if we don't come to fellowship, our spiritual growth will be stunted. और इसलिए अगर हम लोग संगति में नहीं आएंगे तो हमारे जो आत्मिक जीवन में जो प्रगति है वो ठीक से नहीं होगा. And Jesus said, where two or three are gathered, there I am in their midst. प्रभु ने बोला कि दो या तीन जब ये मेरे नाम से इकट्ठा होंगे तो मैं उनके बीच रहूंगा. The church is the body of Christ. कलीसिया प्रभु का देह है. The church is not a congregation. कलीसिया बस एक सभा नहीं है. But it's the body of Christ. लेकिन वो प्रभु यीशु का देह है. And people who fear God. और जो लोग प्रभु का भय रखते हैं. Born again. जो लोग जिन्होंने नया जीवन पाया है. Become part of the body of Christ. वो लोग ये प्रभु के देह का हिस्सा बन जाते हैं. And it should be our great desire to come for the fellowship meetings. और इसलिए हमारे मन की हमेशा इच्छा होनी चाहिए कि हम हर एक मीटिंग में आए. To be encouraged of God. ताकि हम लोग प्रभु से प्रोत्साहन पाए. And to also be encouraged one another. और हम लोग एक दूसरे को भी प्रोत्साहन दे सकें. Now we see in the book of Malachi we were seeing. हम लोग मलाकी की किताब में देख रहे थे. 3:16. 3:16. That that people who fear the Lord, कि जो लोग प्रभु का भय मन में रखते हैं, spoke about his name, उसके नाम के बारे में बात करते थे, and the Lord heard it, और प्रभु उनकी बातों को सुनता था, and a book of remembrance was made on their behalf, और एक किताब बनाया गया था जहाँ पे उनके बारे में लिखा गया था, but other people who had the Bible, लेकिन दूसरे लोग जिनके पास बाइबल था, and they only grumbled about God, लेकिन वो लोग बस कुड़कुड़ करते थे. It is what is the use of serving God such a lot? वो लोग बोलते थे कि प्रभु की सेवा करने में क्या हमें हासिल हुआ है? But then God loves people who fear God and to talk about His name. लेकिन प्रभु उनसे प्रेम करता है जो प्रभु का भय अपने मन में रखते हैं और उनके नाम के बारे में चर्चा करते हैं. And God wants to show Himself strong on behalf of those people. और प्रभु अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता है इन लोगों के द्वारा. And see the latter verses 17 and 18 that God will say they are my jewels and I will protect them. और हम लोग आगे वचन में देखते हैं कि प्रभु बोलता है कि ये मेरे गहने हैं और मैं इनको संभाल के रखूंगा. And he'll come very close to them. और हमसे वो बहुत ही उनसे बहुत ही निकट हो जाता है. You know, the Bible says in Ephesians chapter 5 that God loved, Jesus loved the church. Bible में Ephesians 5 में लिखा है कि प्रभु यीशु कलीसिया से प्रेम करते थे. And he gave himself up for it. और उन्होंने खुद का बलिदान दे दिया उसकी ओर. And we are the church. और हम कलीसिया हैं. Each one of us. हर एक व्यक्ति यहाँ पर. And he has given his life for each one of us. और हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे प्रभु यीशु ने अपना जीवन दिया. What does it mean giving up life? जी उसका जीवन देने का मतलब क्या है? He sacrifices each. He loves us and he takes care of each one of us. इसका मतलब ये है कि हमसे प्रेम करते हैं और हर एक व्यक्ति का ख्याल रखता है. Once we become his children. एक बार उसके बच्चे बन जाते हैं. He'll take care of us the last day we die. तो मेरे जीवन का अंत के दिन तक हमारा ख्याल रखता है. Irrespective of how we have believed and how we behaved. भले तुम किस तरीके से विश्वास करो या कैसे भी बर्ताव करो. Even if you failed 10,000 times, he will still care for us. इसके बावजूद कि तुम उसको 10,000 बार निराश करो, फिर भी वो तुम्हारा ख्याल रखेगा. Because he's a living God. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है. He's faithful. वो श्रद्धालु है. And he loves us. और हमसे प्रेम करता है. And it's very important to know that when we come into the fellowship, we always receive encouragement. और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जब कभी भी हम लोग संगति में आएं, हमें हमेशा प्रोत्साहन मिले. If there is no encouragement in the church, God is not present. अगर कलीसिया में प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे नहीं है. It's better to go to a football match. इससे अच्छा है कि हम लोग कोई खेल देखें. Or you go to watch a cricket match in the IPL rather than sitting in the church. या कोई क्रिकेट मैच देखें, क्योंकि कलीसिया में तो कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता. Many churches you go, you don't get any encouragement at all. कितने सारे कलीसिया में तुम जाओगे, वहाँ पे बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं मिलता. You just sing some songs and just go boy and God has never spoken to you anything. बस तुम जाके थोड़ा गीत गाते हो, लेकिन प्रभु तुमसे कभी कुछ बातें नहीं करता. But when Jesus is present in our midst, you'll definitely be encouraged. लेकिन अगर प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे बीच रहेगी, तो जरूर तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा. That's how you know that God is there. It's a big passage, verse 13 onwards. वाक्य 13 से पढ़ेंगे. What I was thinking is that the main topic today
Why we come for fellowship is because Jesus is alive. हम लोग मैं सोच रहा था कि आज के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं संगति के बारे में, हम लोग क्यों सब साथ में आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जीवित है. Jesus is a living God. प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है. He is alive. वो जिंदा है. That makes all the difference. और वही सारा अंतर करता है. हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है जो हमारे बीच है. We're not going for dead meeting. हम यहाँ पे बस एक मरे हुए व्यक्ति के लिए नहीं आ रहे. We used to go to all sort of dead meetings earlier. पहले कई सारे मरे हुए सभा में हम जाते थे. We just went to just for the sake of attending, of giving attendance. बस नाम के लिए जाते थे. But the Lord is there, you know. He's there to work on our behalf. लेकिन जब प्रभु यीशु एक जगह पे होता है तो हम जानते हैं कि हमारे एक जगह पे हमारे जीवन में कार्य कर रहा है. And he's the King of Kings and Lord of Lords. और वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है. You see in chapter 13, verse 13 onwards, chapter 24. 24 उसमें 13 से क्या आगे हम देखते हैं? We know it's a very delightful story. हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छी कहानी है. It's not a story, it's an incident. ये एक्चुअली कहानी नहीं, ये घटना है. And it says about there were two people, verse 13, about going on that very day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. देखो उसी दिन उनमें से दो जन Emmaus नाम के गांव के ओर जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था. What was the background of this incident? और ये घटना के पीछे क्या हुआ था? Jesus had died. प्रभु यीशु मरे थे. He was crucified. क्रूस पे उन्हें चढ़ाया गया था. And he was buried. और फिर उनको दफनाया गया था. And the third day. फिर तीसरे दिन. The Sunday morning. रविवार सुबह. Suddenly they found that the body was not there. अचानक उन्होंने पाया कि वहाँ पे प्रभु यीशु का शरीर नहीं था. Mary Magdalene and some ladies have gone to see, but the stone was open, but the body was not there. Mary Magdalene और कुछ और स्त्रियाँ वो गुफा की ओर गए थे, लेकिन वहाँ पे जो गुफा के सामने जो पत्थर रखा गया था वो हटाया गया था और वहाँ पे प्रभु यीशु का शरीर नहीं था. The disciples went there, including Peter. They also saw the body was not there and they went home. और फिर प्रभु के जो चेले थे पतरस को भी, जो सब लोग गए थे वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी प्रभु यीशु का शरीर नहीं था और लोग वापस अपने घर पे चले गए. After Jesus died, they were very depressed. प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद लोग बहुत ही निराश हो गए थे. And after this incident, they were more depressed. और ये देखने के बाद लोग और भी निराश हो गए. The body also was not there. क्या मैंने सोच लिया अभी तो शरीर भी नहीं. And both these two disciples, the names are not initially mentioned, they decided to go back to their village called Emmaus. और ये जो दो चेले थे इनका नाम यहाँ पे लिखा नहीं गया था, उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग अपने वापस गांव चले जाते हैं. It is the village was about 7 miles, about 11 kilometers from Jerusalem. ये जो गांव था ये यरूशलेम से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर था. It is from, for example, here to Andheri. सोचो यहाँ से अंधेरी तक. They were walking all the way. और लोग चल रहे थे उस समय. On what day? The Sunday morning. तो उनसे दिन पे रविवार सुबह. After they got the news that the Jesus disappeared. एक बार उनको मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु का जो शरीर है वो गायब हो चुका है. And they were the body of Jesus had gone. और प्रभु यीशु का शरीर अभी नहीं है. And verse 14 says they were conversing with each other about all the things that happened. और वाक्य 14 में लिखा है कि जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे. And as they were talking, verse 15, about all the things that happened. और जैसे वो लोग बात कर रहे थे वो सभी चीजों के बारे में जो हुआ था. Jesus came and began traveling along with them. प्रभु यीशु आए और उनके साथ चलने लगे. Maybe after 1 kilometer or 2 kilometers, they were walking. Jesus also joined them. शायद से 1 या 2 किलोमीटर के बाद प्रभु यीशु भी उनके साथ शामिल हो गए और उनके साथ चलने लगे. And verse 16 says that they could not recognize that Jesus was there with them. और वाकई सोलह ऐसा लिखा है कि वो लोग पहचान नहीं पाए कि प्रभु यीशु थे उनके साथ. And then Jesus asks them, "What are you talking with each other?" और फिर प्रभु यीशु ने उनसे पूछा कि तुम आपस में क्या बात कर रहे हो. And while we are walking. और हम लोग चल रहे थे. And what it says, and they stood still looking sad. और वहाँ पे क्या लिखा है कि वो लोग खड़े हो गए और एकदम निराश दिख रहे थे. And they suddenly stopped walking and they stopped and they became very sad. They could not talk also. तो लोग चलना उन्होंने छोड़ दिया, रुक गए और इतने निराश थे कि कुछ बोल भी नहीं पाए. And verse 18 says that gives one of the names of the people. His name was Cleopas. और वाक्य 18 में एक व्यक्ति का नाम दिया है उसका नाम है क्लियोपास. And he asked, "Why is the only person who has visited Jerusalem has not heard all these news that has happened the last 3 days?" और वो प्रभु यीशु से पूछ रहा है कि तुम क्या एक ही व्यक्ति हो गए जो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में नहीं जानते? And Jesus asked about things. और प्रभु यीशु ने पूछा कि क्या चीज है? And they told him, "See, the things about Jesus the Nazarene, verse 19, who was a prophet, mighty in deed and word, and in the sight of God and all the people." उन्होंने उससे कहा, यीशु नाजरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था. Don't you know about Jesus that was of Nazareth? He was mighty in sight of God, mighty and did so many miracles. क्या तुम जानते नहीं प्रभु यीशु जीसस के बारे में जो नजरें से था और प्रभु के नजर में बहुत ही बलवान था? And you know there were chief priests, verse 20, and all of them were so jealous about them and they put him to death. और वाकई 20 में लिखा है कि जो महायाजक थे वो लोग बहुत ही ईर्ष्या रखते थे प्रभु यीशु के बारे में और उनके खिलाफ उन्होंने काम किया और उनको मृत्यु की ओर सौंप दिया. And verse 21 said, "When we were just hoping," they said, "that he was going to redeem Israel, and besides all this,
the third day since all these things have happened. वाक्य 21 में लिखा है कि परंतु हमें आशा थी कि यही इसराइल को छुटकारा देगा और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है. See, they had great hopes that Jesus would do something for them. तो वो लोग के बारे में बहुत ही आशा था उनके मन में कि प्रभु यीशु उनके देश के लिए उनके लिए कुछ करेगा. And all the hopes are gone. और सारी उनके आशा ढेर हो गए. But today in the morning we heard that some ladies came and told something that amazed us. लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आज सुबह कुछ स्त्रियों ने आके हमें कुछ चीजें बोली जिससे हमें बहुत ही अचंभ सरप्राइज हो गया. And they came to the tomb and they found the body was not there. और वो लोग कब्र की ओर गए और आपने देखा कि प्रभु यीशु का शरीर तो नहीं है. And they also saw some angels it seems. और वहाँ पे शायद से उन्होंने कुछ फरिश्तों को भी देखा. And the angels told them that he's alive. और फिर फरिश्ते ने उन स्त्रियों को बोला कि प्रभु यीशु जीवित हो गए. And some of us also went and found out that exactly as these ladies had said. और हम में से कुछ लोग गए और हमने भी पाया कि जैसे स्त्रियों ने बोला था वैसे ही हुआ है. They told them this thing. This is what all the whole background in these two people explained to Jesus about what had happened in the last three days. तो ये पूरी कहानी जो कुछ भी तीन दिनों में हुआ था ये दोनों चेलों ने प्रभु यीशु को बोला. They were really quite sad. और वो बहुत ही निराश थे, दुखी थे. They all were hopes were dashed. उनके सारे आशाएं ढेर हो गए. They were people who were disciples of Jesus. वो लोग प्रभु यीशु के चेले हुआ करते थे. And they loved them. और वो प्रभु यीशु से प्रेम करते थे. See now what Jesus says. अभी देखते हैं कि प्रभु यीशु क्या बोलते हैं. Verse 25. वाक्य 25. And he said to them. तब उसने उनसे कहा, O foolish men and slow of heart to believe on all that the prophets have spoken. हे मूर्खों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन मत हो. Was it not necessary for Christ to suffer these things and enter to glory? क्या अवश्य ना था कि मसीह ने दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? When Jesus opened his mouth, the first thing he told them, "You are such foolish people." तो जब प्रभु यीशु ने मुंह खोला, सबसे पहले उन्होंने बोला कि तुम एकदम मूर्ख व्यक्ति लोग. See, they were complete strangers was speaking to them. और उनको लग रहा था कि ये तो एक दूसरा आदमी, बाहर का व्यक्ति है, जानते नहीं इनको. And they had got such a lot of unbelief. और उनके मन में इतना सब अविश्वास था. He gave them such a terrific scolding. और उन्होंने एकदम बुरी तरीके से उनको डांट दिया. They were somewhat shocked. Who's a stranger who's coming and telling us that we are very foolish people? और ये तो व्यक्ति एकदम अचंभित हो गए कि ये कौन व्यक्ति है बाहर से आके हम लोगों को बोल रहा है कि तुम मूर्ख हो. And Jesus explained that, don't you know that you know Jesus told you that he was first supposed to die and crucify these things and then enter into glory? प्रभु यीशु को बोले कि क्या तुम जानते नहीं कि ये जो व्यक्ति है इसको बहुत सारा दुख उठाना था, फिर मरना था, क्रूस पे चढ़ना था, फिर अपने महिमा में प्रवेश करेगा. See, if we are to come enter into a good spiritual life, we have to go through all sufferings and all troubles in our own life. अगर हमें भी एक अच्छा आत्मिक जीवन में प्रवेश करना है तो कई सारे दुखों और परेशानियों के द्वारा हमें गुजरना है. We cannot have an easy time all the time. एक आसान का समय हम लोग के जीवन में हमेशा नहीं पा सकते. All the time we should have fan in the meetings. That's not sometimes there will be no fan. मीटिंग में हमेशा फैन हो, करंट हो, कई बार तो फैन नहीं रहेगा. Things will be uncomfortable for us. और ये सब चीजें हमें बहुत मुश्किल पड़ता है. Then we said, oh, what is what? Why should I come for the meeting? I should not come today. Or talk. हम लोग सोचते हैं कि मैं मीटिंग में क्यों आया? आज मैं नहीं आना चाहता मीटिंग. Whole day sitting here with the fan, without the fan. पूरा दिन मैं बैठा हूँ, फैन नहीं है, करंट नहीं है. God is not interested in our comfort. प्रभु हमारे आराम और सुख में वो दिलचस्पी नहीं रखता. He is interested in our sanctification, our character. वो हमारे शुद्धता, हमारे चरित्र में दिलचस्पी रखता है. Character cannot come with only comfort. और जो चरित्र है वो बस सुख और आराम से ही नहीं आता. And God gives us a lot of comfort. We become very lazy and backslide. और कई बार प्रभु अगर हमें सारे सुख और आराम देता है तो हम लोग अपने मसीह जीवन में पिछड़ जाते हैं. God allows all the troubles and trials to come that we can grow spiritually grow. इसलिए प्रभु यीशु अनुमति देता है कि काफी सारे मुश्किल हमारे जीवन में आए ताकि हम लोग अपने हमारे आत्मिक जीवन में बढ़े. And then what he started doing, he began to explain the scriptures to them. फिर वो क्या करने लगा? जो भी पवित्र शास्त्र थे उनको उनके बारे में उनको बताने लगा. And beginning with Moses and all the prophets, he explained the things concerning himself in all the scriptures. तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों को अर्थ उनको समझा दिया. Beginning of the Bible to all the prophets, he began to tell what Jesus had done, who Jesus was, everything details he began to tell. सारे भविष्यवक्ता और जो भी बाइबल के शुरुआत से अंत तक जो कुछ भी प्रभु यीशु के बारे में लिखा था उन सब के बारे में उसने उनको बताया और उनको समझाया. And they did not even know that was Jesus. और तभी तक कि उनको ये मालूम नहीं पड़ा था कि प्रभु यीशु स्वयं उनके सामने खड़े हैं. And how long was this Jesus speaking? और कितनी देर तक प्रभु यीशु उनसे बातें कर रहे थे? You start walking here from here to Andheri. तुम यहाँ and then Jesus continuously speaking with you. तुम शुरू करो यहाँ से अंधेरे तक चलने के लिए और सोचो कि यहाँ से वहाँ तक प्रभु यीशु पूरे समय बात कर रहे हैं. First thing, 3-4 hours. कम से कम 3-4 घंटे तो बात करते रहेंगे. Imagine Jesus was speaking to the disciples 3-4 hours walking with them all the way. कल्पना करो कि Jerusalem to कल्पना करो कि प्रभु यीशु उनके साथ यरूशलेम से एमाउस तक बातें कर रहे थे 3-4 घंटों तक.
He was doing not just speaking, they were just doing the listening. वो सारी बातें कर रहे थे और ये लोग सिर्फ सुन रहे थे. And the marvelous thing is that they didn't ask who this person was. और सबसे अचंभे वाली बात ये है कि इतने समय बाद भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कौन हो. So Jesus was speaking such a lot of authority. क्योंकि प्रभु यीशु एकदम अधिकार के साथ बात कर रहे थे. And with a lot of confidence, scripture after scripture, he was telling them. बहुत ही अच्छे तरीके से पवित्र शास्त्रों को के बारे में बोलते हुए उनको समझा रहे थे. See, one thing we learn about is that the Lord loves his disciples. एक चीज़ हम लोग हमेशा देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने चेलों से बहुत प्रेम करता है. Even if there are two disciples in any place, the Lord is there in their midst. भले वहाँ पे सिर्फ दो ही चेले हो, लेकिन प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में रहेगी. There are two disciples only, and they were walking. Jesus joined them. ये कहानी में बस दो ही चेले थे, वो लोग चल रहे थे और प्रभु यीशु उनके साथ शामिल हो गए. Only if two of you are there in a crowded place, the Lord is God definitely going to be with them. एक जगह में बस तुम दो ही जन भी रहोगे तो प्रभु यीशु जरूर वहाँ पे रहेगा. He took all the trouble to come and encourage them. वो पूरा उसने कष्ट उठाया ताकि वो जाके उनको प्रोत्साहन दे. They were so depressed. वो लोग एकदम निराश थे. But he was there to encourage them with the word of God. लेकिन वो वहाँ पे था उनको प्रोत्साहन देने के लिए प्रभु के वचनों के द्वारा. And then the morning they started, and at what time they reached the village, they was in the evening. तो उन्होंने उनकी यात्रा शुरू हुई सुबह के समय पे और लोग शाम कभी पहुंचे शाम को. And they said that they approached the village. Jesus knew they were approaching the village, and Jesus was going to pass across the way. The village on this side, Jesus was going that side. और जैसे वो लोग गांव के पास आने लगे तो फिर प्रभु यीशु आगे जा रहे थे और जो गांव का रास्ता था वो दूसरी दिशा में था. And then they said, don't go down this evening, please come and stay with us for the night. तो ये जो दो चेले थे उन्होंने प्रभु यीशु को बोला कि अभी जाओ मत, अभी बहुत शाम हो गया है, आप आके हमारे साथ रहो. They urged him. और उन्होंने बहुत ही जबरदस्ती की उनसे. See, the Lord will not come uninvited to our house. प्रभु यीशु कभी भी बिन बुलाए हमारे घर में नहीं आएंगे. We have to urge him. हमें बोलना पड़ता है कि प्रभु आओ. He'll just move away. वरना सीधा चला जाएगा. And because they urged him, he gave, he said, okay, I'll come to your house. क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनको जबरदस्ती किया तो इसलिए आए. See, he waits for us to invite him. हमेशा रुका रहता है कि हम उनको निमंत्रण दें. He waits for us to invite us into his house. वो रुका रहता है कि कब हम उनको अपने घर में बुलाएंगे. That's why I'm doing so much good to them. He just is that he is a perfect gentleman. He will not push himself to our lives. वो बहुत ही दीन व्यक्ति है. इसके बावजूद कि उन्हें वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी खुद को अपने हमारे ऊपर वो जबरदस्ती ये नहीं करेंगे. We'll have to invite them into our lives and our homes. हमेशा हमें उनको आमंत्रित करना पड़ता है हमारे घर में. In our church. हमारे कलीसिया में. And then he will come into our homes. और फिर वो हमारे घर में आएगा. Then he was relaxing at the table. और फिर वो टेबल के ऊपर आराम कर रहे थे टेबल के वहाँ पर. And then they began to eat food. फिर वो खाना खाने लगे. And then he broke the bread. फिर उन्होंने ब्रेड को तोड़ा. When he broke the bread. फिर जब उन्होंने ब्रेड को तोड़ा. Suddenly the eyes opened. This is Jesus. तुरंत ये जो दो चेहरे थे उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचाना कि ये तो प्रभु यीशु है. And soon as they recognized Jesus, Jesus disappeared. और जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु को पहचाना, प्रभु यीशु वहां से गायब हो गए. What a situation it was. क्या परिस्थिति थी? Jesus disappeared. प्रभु यीशु गायब हो गए. He took all these hours. He never spent so many hours talking to them. These unknown believers. They were not among the 12. They were unknown believers. Cleopas. They don't know his name. Was never mentioned before. And Jesus spoke to them and encouraged them. और वो कहते कि इसके पहले कैसे प्रभु यीशु कितने घंटे उनसे बात कर रहे थे, कि इसके बावजूद कि ये जो दो चेले थे वो 12 में से नहीं थे. क्लियोपस का नाम हम लोग पहले कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, इसके बावजूद प्रभु यीशु कष्ट उठाते हैं और इन लोगों से बातें करते हैं. And verse 32 says, वाक्य 32 में लिखा है, what did they say? क्या इन्होंने बोला? Were not our hearts burning while with us, while you were speaking to us on the road, while you were explaining the scriptures to us? उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? So whenever the Lord speaks to us, Lord is present, the hearts will burn. जब कभी भी प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच होती है और हमसे बातें करता है, हमारे मन में एक आग आता है. Whenever a man is anointed by the Holy Spirit, the heart will burn inside. जब कभी भी एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ हो जाता है, तो उसके मन में एक शोला, एक आग आ जाती है. You get an encouragement. और उससे प्रोत्साहन मिलती है. Yes, something is true, something is correct. And I have got faith in my heart. और उसको लगता है कि ये बातों में कुछ तो सही सच्चाई है, कुछ तो सही है और मेरे मन में विश्वास अभी आ रहा है. And because the verse 33 said they arose that very hour and returned to Jerusalem. और वाक्य में 23 में लिखा है कि उसी समय वो लोग वहाँ से उठे और वापस यरूशलेम चले गए. Walked all that way back 11 kilometers back to Jerusalem where they came. तो पूरा रास्ता वापस उन्होंने तय किया और वापस यरूशलेम गए. You know, it is not safe to walk in the night in the village areas. वो उस समय गांव में और अभी भी रात के समय चलना इतना अच्छा नहीं होता. The night they never travel. कभी भी लोग रात के समय दूर की यात्रा नहीं करते. Modern times in the cities we keep on traveling and putting lights on and going here and there. In the nights in the villages, everything is shut. आज के जमाने में शहरों में लाइट होती है तो हम लोग रात में भी बाहर निकलते हैं, लेकिन गांव में एक बार लाइट चला गया उसके बाद कोई रात में घर के बाहर नहीं निकलता. It's very unsafe because there are wild animals, there may be lions, there may be jackals, there may be wolves, there are robbers also. क्योंकि चोर हो सकते हैं, जंगली जानवर हो सकते हैं, तो खतरा हमेशा बना रहता है उस समय.
But they said, no, we will go back. लेकिन इसके बावजूद ये चिरड़ बोला कि नहीं हमें वापस जाना ही है. Forget the robbers, forget all these people. We'll run, go back all the way, 4-5 hours in the night, we'll travel and go back late in the night to Jerusalem. जानवर होने दो, चोर होने दो, लेकिन हमें वापस ये रास्ता तय करना है. भले 4-5 घंटे लग जाए, लेकिन हमें वापस जाना है. People, they were so depressed when they started the journey. Now they are tremendously encouraged. They said, let come what may, we will follow the Lord and go back. उनके सफर के शुरुआत में वो एकदम निराश हो गए थे, लेकिन अभी उनके अंदर इतनी उत्तेजना आ गई थी कि उन्होंने बोला कि भले कितना भी समय लग जाए, हम वापस जाएंगे, प्रभु के आगे बोलेंगे. Why? Because they knew Jesus is alive. क्योंकि वो लोग जान गए थे अभी कि प्रभु यीशु जिंदा है. The same Jesus who walked with us is alive today. वही यीशु जो हमारे बीच चलता था, आज वापस जिंदा है. Suddenly they got tremendous faith in their own heart. और तुरंत उनके मन में एक विश्वास आ गया था वापस. Jesus can do anything. प्रभु यीशु कुछ भी कर सकते हैं. He can raise up people from the dead. He can really solve every problem of ours. मरे हुए लोगों को वापस जीवित कर सकते हैं. हमारे जीवन की हर एक समस्या का हल निकाल सकते हैं. That is the spirit of faith that they received. और ये आत्मा और विश्वास की आत्मा उनके अंदर आ गई थी. And they came back to Jerusalem. फिर वापस लोग यरूशलेम में आ गए. And verse 34 they said, the Lord is really risen. They said. फिर वाक्य 34 में उन्होंने बोला कि प्रभु यीशु सच में वापस जी उठे हैं. Verse 35 they said, they began to tell all the things that happened to them to all the disciples. फिर वाक्य 35 में दिखाया कि उन्होंने दूसरे चेलों को बोलने लगे जो कोई भी घटना उनके साथ हुई थी एमाउस के रास्ते पे. And while they were telling all, suddenly Jesus came into their midst. और जब ये सारी चीजें वो लोग बोल और ये जब सारी चीजें की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो तुरंत प्रभु यीशु की उपस्थिति उनके बीच वापस आ गई. The disciples were so frightened, they thought it was a ghost. और शुरुआत में सारे चेले एकदम डर गए, उनको लगा कोई भूत आया. And then they gave something to eat, some fish. लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ खाना दिया प्रभु यीशु को, कुछ मछलियां दी. And then he ate the fish and began to encourage them. तो फिर उन्होंने वो खाना खाया और फिर उनको वापस वो प्रोत्साहन देने लगे. And then he began to again tell the scriptures to them, verse 45. और फिर से वो उनको पवित्र शास्त्र के अंदर बोलने लगा, वाक्य 45 में. And verse 46 he said, thus it is written, Christ should suffer and rise again from the dead on the third day. और उन्हें और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा. And repentance and forgiveness of sins be proclaimed in his name to all the nations beginning from Jerusalem. और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा. The most important thing is that the Lord loves to be with us and shows us that He is the living God. सबसे जरूरी बात यह है कि प्रभु को अच्छा लगता है कि हमारे बीच है और हमें दिखाए कि वो जीवित परमेश्वर है. Jesus said, "Whenever you do a work for me, He said, all power is given to me both in heaven and earth." प्रभु यीशु बोलते हैं कि जब कभी भी तुम मेरे लिए कोई सेवा करते हो, तो हमेशा याद रखो कि सारा अधिकार, सारा शक्ति मुझे दिया गया है धरती और स्वर्ग में. I'm not a dead God. I'm a living God. मैं एक मरा हुआ भगवान नहीं हूँ, मैं एक जीवित परमेश्वर हूँ. And with my name you can go. और मेरे नाम से तुम कहीं भी जा सकते हो. Because I'm with you. क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ. End of this world. दुनिया के अंत तक. And then we know that in our own life we can do anything for the Lord. और जब हम लोग ये जानते हैं, तो हम लोग प्रभु के लिए कुछ भी कर सकते हैं हमारे जीवन में. We'll not be afraid of our boss. हमारे मालिक से हम नहीं डरेंगे. We'll not be afraid of the situations in the office. हमारे ऑफिस के परिस्थितियों से हम नहीं डरेंगे. Problems in the church. हमारे कलेश की सब समस्या से हम नहीं डरेंगे. Problems at home. घर की समस्याओं से नहीं डरेंगे. Sicknesses. Whatever the problems, my God will be able to solve them. बीमारियां, जो कोई भी समस्या हो, हम नहीं डरेंगे. हम बोलेंगे कि परमेश्वर सबका हल निकाल सकता है. Jesus Christ is bigger than all our problems, bigger than all our fears. प्रभु यीशु मेरे सारे समस्या, सारे डरों से बड़ा है. That's why we as disciples can have strong confidence. इसलिए चेले होने के नाते हम लोग ये हमेशा धैर्य रख सकते हैं प्रभु में. And that's why when he comes, the Lord is present in our midst, we'll always our faith will increase. और इसलिए जब प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे बीच रहेगी, हमारा विश्वास हमें हमेशा बढ़ते जाएगा. So that's encouragement. इसको बोलते हैं प्रोत्साहन. The Lord always wants to encourage his children. प्रभु चाहते हैं कि हमेशा अपने उसके बच्चे प्रोत्साहित रहें. Because we are part of his body. क्योंकि हम उसके शरीर का एक हिस्सा हैं. Never to be discouraged. इसलिए कभी भी निराश मत होना. The discouragement is the worst thing to happen to us. निराशपन सबसे बेकार चीजें जो हमारे साथ हो सकती है. We are discouraged, we'll fall into every type of sin. अगर हम लोग निराश हो जाएंगे तो कोई भी पाप पे पड़ सकते हैं. When you're encouraged, you get victory over every sin. जब हम लोग प्रोत्साहित होते हैं तो कोई भी पाप के ऊपर विजय पा सकते हैं. Sometimes we sin, no, sometimes we fall into sin, we fail the Lord. कितने बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग कई सारे पाप में पड़ जाते हैं, हम लोग असफल होते हैं. Then we say, Lord, no, no, I failed, and I'll keep quiet, I'll not do anything, I'll just keep quiet and sit quietly over there. फिर हम लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं असफल रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, चुपचाप बैठा रहूंगा एक कोने में. You know, you're a very dangerous situation. You'll fall into one sin after another sin. ऐसा मत करो. अगर तुम ऐसा करोगे तो और खतरे में पड़ोगे, फिर एक के बाद एक पाप में और पड़ते जाओगे. You ask God to forgive you. God is willing to forgive you, and then you bounce back and thank God. तुम प्रभु को बोलोगे, प्रभु तुम मुझे माफ कर, क्योंकि प्रभु तैयार है तुम्हें माफ करने के लिए. फिर तुम वापस उठ जाओ और वापस चलने लगे. There's a godly man called Brother Lawrence. बहुत ही धार्मिक ब्रदर है Brother Lawrence. He was a cook. Cook. वो एक बावर्ची था. He used to walk with the Lord. तो हमें वो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में और उनके साथ उनकी संगति में चलता था. And many times he used to fail the Lord, he used to fall into sin. और कई बार वो असफल होता था, पाप में पड़ता था. And he used to say, Lord, without your help, this is what I'm going to do. और वो बोलता था कि प्रभु आपकी मदद के बिना मैं हमेशा यही करूँगा. So
Lord, now I don't want to do it anymore. और उसने बोला कि प्रभु मुझे अभी से ये नहीं करना है वापस. Please forgive me. मुझे माफ कर. And then his fellowship would be restored back with the Lord. और वापस फिर उसकी जो संगति है, उसका जो रिश्ता है प्रभु के साथ, वापस सही हो जाता था. You may say it's so nice for the Lord to walk with us for 2-3 hours or so many hours together and talk with them. हम लोग बोलेंगे कितना अच्छा होगा प्रभु की शारीरिक रूप में हमारे साथ 2-3 घंटा चले, हमसे बातें करे. But God has given us something better than that. लेकिन प्रभु ने हमें उससे भी बेहतर चीज दी है. He has given us the Holy Spirit. उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है. Verse 49 it says, Behold, I am sending you the promise of my Father upon you. You have to stay in the city until you are clothed from the power on high. फिर वाक्य 49 में लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग में सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। God has given us Holy Spirit after Pentecost. Even this was happened before Pentecost. After Pentecost, Holy Spirit comes and designs in our own lives. ये जो घटना थी, ये पेंटिकॉस्ट के दिन के पहले थी. पेंटिकॉस्ट के बाद पवित्र आत्मा आता है और हमारे जीवन में हमारे साथ बसता है. We have continuous fellowship with the Lord. तो हम लोग हमेशा प्रभु के साथ संगति बनाए रख सकते हैं. Jesus told the disciples, "You please wait for the power of the Holy Spirit to come upon you." इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला था कि तुम रुको जब तक तुम पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं पाते. Then we have fellowship with the Holy Spirit. उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग संगति कर सकते हैं. And he will give us the power of God. और फिर हमें परमेश्वर की शक्ति वो देता है. The power of God means always to be enthusiastic, always to love the Lord, always to praise him in every situation. परमेश्वर की शक्ति मतलब हमेशा लोग आनंद में रहे, हमेशा प्रभु की स्तुति करते रहे हर एक परिस्थिति में. All our problems we can have faith that God is alive. हमारे सारी समस्या में हम लोग ये विश्वास रखते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है. In all our sufferings God will give us faith and trust that we can believe in. हमारे सारे दुखों में हम लोग के पास प्रभु हमें विश्वास देता है ताकि हम लोग उसमें विश्वास रख सके. That is a conquering faith. ये है एक विजेता वाला विश्वास. And he can give us victory. और इससे हम विजय पाते हैं. That is a glorious thing that can happen in each one of our own lives. और ये बहुत ही महान चीज है जो हमारे जीवन में हो सकता है. And Jesus loves to be with his disciples. और प्रभु यीशु हमेशा चाहते हैं कि वो अपने चेलों के साथ रहे. When he was breaking bread, he said, "Now I'm just going. I was waiting for this time to always break bread with you." वो जब भी ब्रेड तोड़ रहे थे तो बोल रहे थे कि मैं रुका था कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ कब ये तोड़ू रोटी. That is the thing when the Lord is there with us. It's such a precious thing to be. इसलिए बहुत ही अच्छी चीज है कि जब भी प्रभु यीशु मेरे साथ रहेंगे मेरे लिए बहुत ही कीमती मूल्य की चीज है. He is there with us in all our situations of life. मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में वो मेरे साथ रहता है. And he comes in a special way in the meetings of the church. और कलीसिया में जो सभा होती है उसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से वो आता है. That's why the meetings of the church we should not miss. इसलिए कभी भी हमें कलीसिया में जो मीटिंग होता है उसको हमें हमेशा आना है. Some people there in Hebrews says that it is a habit of some people to keep on missing meetings. इब्रानी में लिखा है कुछ लोगों की आदत है कि वो लोग मीटिंग में नहीं आए. For the wrong reasons. गलत कारणों की वजह से. A.W. Tozer जो भाई है, he said, उन्होंने बोला, if a person does not come for the meeting, अगर एक व्यक्ति मीटिंग में नहीं आता है, there are two reasons. दो कारण है. One is voluntary. एक है कि वो जानबूझ के नहीं आ रहा है. And one is compulsory. और दूसरा कि वो नहीं आ पा रहा है. Voluntary means compulsory means suppose a person is sick in the hospital or is not well. तो नहीं आ पा रहा का मतलब क्या है कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में है. He cannot come. वो नहीं आ सकता. But if that believer has gone to play golf or playing badminton on Sunday morning, we know it is a voluntary decision to go for to play rather than to pray. लेकिन अगर हमें मालूम पड़े कि वो रविवार सुबह किधर खेलने गया है कोई खेल, तो हमें मालूम पड़ता है कि वो जानबूझ के नहीं आ रहा है. That shows the spiritual state of man. तो उससे वो व्यक्ति का जो आत्मिक प्रगति है, आत्मिक चरित्र में मालूम पड़ता है. So it's important in our own life. What is your longing in your own life? तो हमेशा ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मेरी मन की इच्छा क्या है. Do you want to? Jesus and his family. Yeah, verse 19. Vakya 19. And 20. Fir 20. And 21. Vakya 19:21. And his mother and brothers came to him, and they were unable to get to him because of the crowd. And it was reported to him, "Your mother and your brothers are standing outside, wishing to see you." But he answered and said to them, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it." उसकी माता और भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके. और उससे ये कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं. उसके उत्तर में उनसे ये कहा कि मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं. See, Jesus, when he was on this earth, his best friends were people who were disciples of him.
his own disciples. जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे तो उनके सबसे करीबी दोस्त उनके चेले रहते थे. Not his own relatives. उनके खुद के रिश्तेदार नहीं. So when there was a big crowd around, the mother and brothers were right outside there. तो जब एक बहुत बड़ा भीड़ उनके आजू-बाजू रहता था तो उनके माता और जो भाई थे वो लोग एकदम बाहर रहते थे. Many believers keep their mother and all their close relatives even if they are not believers close to them. बहुत सारे विश्वासी ऐसे रहते हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके माता-पिता हैं, उनके बहुत ही करीब रहते हैं, इसके बावजूद कि वो विश्वासी नहीं हैं. Then disciples said, "Yo, mommy and dad, all the brothers have come and sister, maybe sisters also have come. Please come, say, let them. Tell them these people are told us this. Please let them come close to you." तो उनके कई सारे चेले उस समय बोले नहीं कि प्रभु यीशु देखो आपके माँ आए हैं, आपके परिवार वाले आए हैं, उनको आप आगे लेके आओ, आपके पास रखो. Jesus knew the spiritual state very well. लेकिन प्रभु यीशु उनके आत्मिक जीवन के बारे में जानते थे. Jesus said, "My brothers and sisters are those who hear the word of God and obedient to it." और इसलिए भी प्रभु यीशु ने बोला कि मेरे भाई या बहन वो हैं जो प्रभु के वचन सुनते हैं और फिर उसको मानते हैं. He even excluded his mother Mary, who was such a godly woman. उन्होंने अपने माता को भी नहीं सोचा उस समय, मैरी जो इतनी धार्मिक स्त्री थी. His brothers and sisters were absolutely unbelievers. उसके जो भाई और बहन थे वो लोग अविश्वासी के समान ही थे. He took a good stand. लेकिन उन्होंने उस समय उन्होंने सही चीज निर्णय लिया. Because of that stand, later on, his mother and brothers and all came to the Lord. और ये निर्णय के कारण आगे जाके लोग देखते हैं कि उसके जो भाई और बहन थे प्रभु यीशु के, वो लोग भी फिर प्रभु यीशु में विश्वास करने लगे. After he died also. उनके मृत्यु के बाद. You know, after he died. वो मरने के बाद. And he was risen. फिर वो वापस जी उठने के बाद. He didn't go first to his house. वो सबसे पहले अपने घर नहीं गए. To go show himself to his mommy and to brothers and sisters. ताकि वो जाके अपने माँ और अपने परिवार वालों को खुद को दिखाए. The first people to see Mary Magdalene. सबसे पहले व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को देखा वो थी मेरी मैग्डलीन. His disciples. उनके चेले. These two unknown disciples. ये तो चेले जो ज्यादा मशहूर नहीं थे. His own family members never even could not see him. उनके जो सब घर वाले थे उन्होंने भी उनको सबसे पहले नहीं देखा. Maybe they could have seen, perhaps they must have seen them later. हो सकता है कि बाद में उन्होंने देखा होगा. Jesus had a priority in their own life. क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि उनके जीवन में पहला स्थान किसको देना है. Because he kept that priority later on they came to the Lord. और इसके वजह से हम लोग देखते हैं कि आगे जाके प्रभु के परिवार वाले भी उनमें आ जाते हैं. Book of James and Jude. जो पुस्तक है याकूब और जूड. They are the own brothers of Jesus. वो प्रभु यीशु के भाई ने लिखा है. These fellows are outside in the crowd. They also became disciples of Jesus. एक समय पे ये दो लोग भीड़ के बाहर खड़े थे लेकिन आगे जाके वो भी प्रभु यीशु के चेले बन गए. But Jesus loves people who love and obey. लेकिन प्रभु यीशु उनसे प्रेम करता है जो उनकी आज्ञा का पालन करता है. Those humble in heart. जो व्यक्ति लोग अपने मन में नम्र है. The Lord says, "I dwell in the high and holy place." प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं बहुत ही ऊंचे और पवित्र स्थान में बसता हूँ. But there are also those who are humble and contrite heart. लेकिन उनके साथ ही बसता हूँ जो मन में एकदम नम्र और दीन है. He has no use for all these proud people and all those boasting type of characters. ये जो घमंडी लोग हैं जो खुद के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उनके उसके पास कोई जगह नहीं है. No, when we know our loved ones are great, then we feel like boasting about them and try to take credit for all the good things that happened to them. कई बार हम लोग हमारे रिश्तेदार में अगर कोई व्यक्ति है जो इस दुनिया में बहुत ही महान व्यक्ति है तो हम लोग उसके बारे में बहुत बात करते हैं, उसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, सोचते हैं कि हम महिमा लेने की कोशिश करते हैं उसके जीवन के द्वारा. Jesus didn't care for the honor of people. लेकिन प्रभु यीशु लोगों के आदर के लिए कोई भाव नहीं रखते. He always dwells with those people who are humble heart. वो हमेशा उनके साथ बसते थे जो मन में एकदम नम्र थे. And the Lord says, "The two or three humble people have gathered together who hear him." कैसे लोग एक दूसरे से बात करते थे. We can speak a lot of good things. हम लोग कई सारे अच्छे बातें कर सकते हैं. We can speak words of God. हम लोग प्रभु के बातें कर सकते हैं. And then believers come together and speak everything else but the word of God. कई बार विश्वासी जब साथ में आते हैं तो लोग प्रभु के वचनों को छोड़ के बाकी सब चीजों की ओर बात करते हैं. Speak about the cricket के बारे में बात करते हैं. Football के बारे में. Politics के बारे में. Or the cooking. खाने के बारे में. And so many other things. बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं. Now let us learn to speak the word of God. लेकिन हमें सीखना है कि कैसे हम लोग प्रभु के वचनों के बारे में बात करें. These are words of eternal life. क्योंकि ये वचन अनंत काल के वचन हैं. This is the word of God that we can speak. ये प्रभु के शब्द हैं जब हम लोग बात कर सकते हैं. We can encourage people with a song. और हम लोग प्रभु को लोगों को प्रोत्साहन कर सकते हैं गीत के द्वारा. Encourage people with the word of prayer. और प्रार्थना के द्वारा भी हम लोग लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं. Encourage people with some kind deed in the meetings. और कोई करुणा या रहम के काम से भी हम लोगों को प्रोत्साहन कर सकते हैं. Something good that we can do. कोई भी अच्छा चीज. So that people can be encouraged to follow Jesus. ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले कि लोग प्रभु का पीछा और अच्छे से करें. And that is what we learn when we assemble together. और ये हम लोग सीखते हैं जब हम लोग साथ में इकट्ठा होते हैं. The church is the body of Christ. कलीसिया प्रभु का शरीर है, सदैव है. And Jesus loves the church very much. और प्रभु यीशु कलीसिया से बहुत प्रेम करता है. One thing that the Lord loves most in this world is his people. इस दुनिया में प्रभु यीशु सबसे ज्यादा प्रेम उसके लोगों से करता है. He doesn't love anything else in this world. और वो इस दुनिया की कोई भी चीज से वो प्रेम नहीं रखता. His eyes are always upon us. उसकी नजरें हमेशा हमारे ऊपर टिकाई होती हैं.
और हमेशा वो एकदम ध्यान से सुनता रहता है, देखता रहता है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। Because there are people who hear God who was sitting here. क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो प्रभु का भय अपने मन में रखते हैं। That is his greatest interest. ये उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी की चीज़। Why is that? Because we are people of eternity. क्यों? क्योंकि हम लोग अनंत काल के लोग हैं। We are going to be with in heaven for all eternity. हम लोग स्वर्ग में अनंत काल के रहने वाले हैं। We are very precious people because brought by the precious blood of Jesus Christ. बहुत ही कीमती लोग हैं क्योंकि हम लोग प्रभु के कीमती लहू से खरीदे गए हैं। He always wants to encourage us. और इसलिए हमेशा वो हमें प्रोत्साहन देना चाहता है। And he expects us also to encourage one another. और हमसे ये आशा रखता है कि हम भी दूसरों को प्रोत्साहन दें। The little that we do. जो छोटा-छोटा चीज़ें लोग करते हैं। Jesus said, the inasmuch as the least you have done to whatever you have done to the least of these my brethren, you have done unto me. और इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि जो छोटे से छोटा चीज जो तुमने मेरे सबसे छोटे भाई के लिए भी किया है, तुमने मेरी ओर किया है। See, the smallest thing you do for the body of Christ, you did it for God. सबसे छोटी सी चीज जो तुम कर सकते हो प्रभु के कलीसिया के लिए, वो तुमने प्रभु के लिए किया है। Even if you have a glass of water, भले तुमने बस एक ग्लास पानी दिया, you get a reward. उसके लिए तुम्हें एक इनाम मिलेगा। If you pray for one another, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। Just have a little encouragement. और बस थोड़ा सा प्रोत्साहन दो। Why the Lord is so pleased? और प्रभु को उसे कितनी प्रशंसा मिलती है? The Lord says we must do good to all men. Galatians chapter 5. गैलेशिया चैप्टर 5 में लिखा है कि प्रभु बोलता है कि हर एक व्यक्ति की ओर हमें अच्छा करना है। Especially to those of the household of faith. खासकर उन लोगों के और जो हमारे जो विश्वास में है। Because we are the body of Christ. क्योंकि हम लोग प्रभु का शरीर है, उसकी देह है। We must cherish and nourish one another. और इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। Not people criticizing and backbiting and gossiping. सिर्फ उनकी कमियां निकाल कर उनके पीठ पीछे बातें नहीं करना। That is the work of the devil. क्योंकि वो शैतान का काम है। We have to always encourage. हमें हमेशा प्रोत्साहन देना है। Devil always comes to discourage. शैतान हमेशा आता है निराश करने के लिए। And find fault. और कमी निकालने के लिए। The Lord finds fault and always encourages. लेकिन प्रभु जब भी गलतियां देखता है तो हमें प्रोत्साहन देता है। And God wants to draw closer to him. और बोलता है कि अभी तुम मेरे पास और आओ। Praise God because of the ministry of the church. प्रभु की स्तुति हो ये कलीसिया के ये काम के लिए। When we go to heaven, we'll have a wonderful fellowship. जब लोग स्वर्ग में जाएंगे तो हम लोग बहुत ही अच्छा संगति करेंगे। There are a lot of people who come and say, oh, thank you God, thank you brother for this word that you spoke to me. बहुत सारे लोग उस समय हमसे आके बोलेंगे कि धन्यवाद भाई कि आपने उस समय ये शब्द मुझे बोले थे। Thank you Lord for that little help that you gave me, it changed my life. धन्यवाद भाई कि जो थोड़ा मदद आपने की थी जिससे मेरा जीवन बदल गया। He said, the little that you do to me, you do it to these brothers and sisters of mine, you did to me. इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि जो भी छोटा से छोटा चीज जो तुम मेरे भाई और बहनों के लिए करते हो, तुमने मेरे लिए किया। So let us seek to love the Lord and do His work and build in our life. तो इसलिए पूरी मन से कोशिश करने के हम लोग प्रभु से प्रेम करें और उसका काम करें हमारे जीवन में।